बात कर लेते हैं अलवर की, जहां पर एक बार फिर से नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में धमकाने की कोशिश की है। जानकारी ये कि शहर के जेल सर्किल के पास बीती रात को साई लीला रेस्टोरेंट पर दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। इसके बाद बदमाश रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों के पास गए, रंगदारी की पर्ची थमाकर दोनों बदमाश फरार हो गए। पर्ची में टूटी फूटी भाषा में लिखा था कि 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो अगली गोली माथे में लगेगी। घटना की जानकारी मिलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और शहर में नाकेबंदी की गई है। शहर से बाहर जाने वाले और शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर देर रात तक वाहनों की जाँच पड़ताल हुई है। रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर बैठे राजेश मीणा ने बताया कि एक बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश बदमाश आते हैं और फायरिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे वक्त फायर नहीं हुआ है। बाहर जाते समय उन्होंने फायरिंग की है, भाग गए वहां से। और आपको जानकारी दें कि इस मामले में पुलिस की टीम कर रही है जांच पड़ताल। मंदिर काउंटर पर खड़ा था, वो आए पर्ची धरी उन्होंने काउंटर पे, वहां पे धरने के बाद में उसने कट्टा निकाला, फायर कर रहा था, वो चला नहीं उस टाइम। फिर वो जैसे मैं बाहर आया तो वो बाहर आके फिर बाहर ऊपर फायर करके निकल। कितने लोग थे? दो लोग थे, एक बाइक से थे। और क्या डिमांड करी उन्होंने? उसमें पर्ची में लिख रहा था 1 करोड़ रुपये नगद कैश चाहिए, ऐसे लिख रहा था। इसमें जो मन जो रिसेप्शन पे लड़का है जो, तो इसका ये कहना है कि दो लड़के थे, एक मोटरसाइकिल पे बाहर खड़ा था, एक लड़का अंदर आया और उस लड़के ने और एक इनको पर्ची दी, उसमें कुछ जैसे पर्ची पे कुछ लिखा हुआ है कुछ इस तरह का कि पैसे दे देना इस तरह का। और बाकी बाहर का ये बता रहे हैं कि बाहर आवाज़ आई इनको कि फायर जैसी, इन्होंने फायर देखी नहीं। तो हम इसमें सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आसपास के और इसमें घटना का और जो पता लगा के और इसमें और आगे काम किया जा रहा है।